तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जाने वाले रायपुर के वन ऑफ द बेस्ट प्लेस में, तो आप भी चलिए। चलो वेदांत। तो फाइनली इतने इंतज़ार के बाद, इतने रास्ता भूलने के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं। बस 500 मीटर दूर है, अभी बता दूंगा तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ज़िंदगी में सस्पेंस होना ज़रूरी है यार, समझ रहे हो ना। तो बस पहुंचने वाले हैं, तो चलिए। तो हम लोग आ चुके हैं सोमनाथ मंदिर, जो रायपुर और बिलासपुर के हाईवे के बीच में सिमगा गांव में है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सोमनाथ मंदिर की खासियत क्या क्या है। तो चलिए। यहाँ की प्राचीन मूर्तियाँ इस मंदिर की खूबसूरती और बढ़ाती हैं। ये देखिए, ये भगवान श्री सोमनाथ यहाँ साक्षात हैं। ये है शिवलिंग। चलिए मैं आपको पूरा शिवलिंग दिखाता हूँ अच्छे से। ये शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग है, और इसकी खासियत ये है कि ये खुद ज़मीन से निकला है शिवलिंग, और ये हर साल 1 इंच बढ़ता है, और हर महीने 3-3 महीने में ये शिवलिंग अपना रंग बदलता है। ये बहुत पुराना शिवलिंग है यहीं साक्षात, और ये शिवलिंग रेत से ही निकला है और रेत से ही बना है ये शिवलिंग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और हर साल ये शिवलिंग 1 इंच बढ़ता है। ये देखिए श्री सोमनाथ मंदिर। ये देखिए मंदिर का नज़ारा बाहर से, इसको मैं अच्छी तरह से आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग देखे सोमनाथ मंदिर की इतनी सारी खासियत, तो यहाँ का जो शिवलिंग है सब शिवलिंगों में से अलग है, क्योंकि ये शिवलिंग खुद ही ज़मीन से निकला है और ये शिवलिंग रेतों से बना है, और ये शिवलिंग हर मौसम में अपना कलर बदलता है, जैसे गर्मी में अलग कलर, बरसात में अलग कलर, ठंडी में अलग कलर, और ये हर साल इसकी लंबाई बढ़ती है इस शिवलिंग की, हर साल जैसा पंडित जी ने बताया कि इसकी लंबाई हर साल बढ़ती है, और ये काफ़ी पुराना शिवलिंग है। और ये जो सोमनाथ मंदिर है, ये एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। ये ज़्यादा दूर भी नहीं, रायपुर बिलासपुर हाईवे के बीच में सिमगा गांव में स्थित है ये सोमनाथ मंदिर, और ये बहुत सुंदर जगह है। अगर आपको मौका मिले तो एक बार ज़रूर आइए सोमनाथ मंदिर अपने फैमिलियों के साथ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। रायपुर के वन ऑफ द बेस्ट प्लेस में से एक है ये सोमनाथ मंदिर। तो ये हम मंदिर के पीछे साइड आ चुके हैं, आपको चलिए पूरा व्यू दिखाता हूँ पीछे का।
ये देखिए मंदिर का पीछे का नदी, ये दो नदी एक साथ मिलते हैं यहाँ। ये जो है ये खारून नदी और ये है शिवनाथ नदी, और यहाँ आप आके वोटिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बीच में जाके दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। बोट में बैठ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये पसीना पसीना हो गया कि? मैं मुंह धोया। कैसे धोया मुंह? ऐसे धो लिया। तो ये हम लोग नदी के बीच में आ गए हैं। ये देखिए नजारा है। घर जाना है कि नहीं जाना? क्यों नहीं जाना भाई? घर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? यही रहेगा तो नदी के बीच में। पानी में ही तो नहाता ही नहीं है लेकिन रोज। अब रोज डूब डूब के नहा गए यहीं। ओ भाई आराम से आना ना, गिरना मत भाई। हाथ दे। ये वीरांग शर्मा आ गया। गाइस आप लोग शिवनाथ मंदिर आए तो यहाँ पे बोर्ड में सफर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। नदी के पास ही शिवलिंग है, नदी से थोड़े दूर में ही वो नदी, और यहाँ पे भगवान शिव। देखिए शिवलिंग कितना प्यारा दिख रहा है। साक्षात विराजमान है हमारे शिव भगवान। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। वेदांग हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो देखिए यहाँ का कितना प्यारा नेचर है, और जैसा कि बोट वाले भैया बताए कि यहाँ हर टाइम भीड़ रहता है। संडे को ज़्यादा भीड़ रहता है कि संडे को सब घर वाले खाली रहते हैं और पिकनिक बनाने आते हैं। यहाँ बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, आप भी आके यहाँ पिकनिक बना सकते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ का नेचर बहुत प्यारा है यार। यहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। यहाँ फ़ोटो क्लिक करने की अच्छी जगह भी, आप फ़ोटो क्लिक भी कर सकते हैं और वहाँ उस साइड बोटिंग भी कर सकते हैं। तो मौका मिले तो आप यहाँ ज़रूर आइए, शिवनाथ नदी और खारून नदी को देखिए, सोमनाथ मंदिर का दर्शन करिए। सोमनाथ मंदिर के बारे में नहीं पता है, यहाँ छत्तीसगढ़ में ही बहुत लोगों को नहीं पता। जैसे कि हम रास्ते में आ रहे थे तो पूछ रहे थे सोमनाथ मंदिर कहाँ, तो किसी को पता नहीं था। और जबकि इतना भव्य मंदिर है, प्राचीन मंदिर है सोमनाथ। तो यार अगर आपको मौका मिले तो छत्तीसगढ़ थोड़ा घूमिए यार, हमारी संस्कृति को आप लोग भी फॉलो करिए। इतनी अच्छी संस्कृति है हमारी, इतना अच्छा अच्छा जगह है, वहाँ थोड़ा सा घूमिए, टाइम स्पेंड करिए अपने फैमिली के साथ। और इतना प्राचीन मंदिर हर जगह थोड़ी देखने मिलता है। साक्षात हमारे शिव भगवान यहाँ विराजमान है, वो भी जमीन से निकले हैं, वो भी रेत का शिवलिंग है यहाँ। ये पूरे मंदिर का पिछला हिस्सा है, देखिए कितनी अच्छी अच्छी जगह है यार, कितना अच्छा जगह है, क्या नेचर है यहाँ का, वातावरण शुद्ध वातावरण हर जगह नहीं मिलती यार ये सब चीज़ें, खासकर तो टाउन में कहाँ मिलती इतनी प्यारी जगह देखने, इतना अच्छा वातावरण, इतने अच्छे प्लेस। मुझे तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा यार, मतलब इतनी अच्छी जगह छत्तीसगढ़ में भी है,
ये मैं सबको बताना चाहता हूँ अपने वीडियो के द्वारा कि आप भी छत्तीसगढ़ थोड़ा घूमिए। कब तक अपन बाहर घूमेंगे, छत्तीसगढ़ को भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। बहुत अच्छी जगह है यार, मज़ा आ गया यहाँ आके। आयुष भैया आप मेरे को यहाँ पे लाके बहुत अच्छा किया, मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे भगवान जी की दर्शन भी कर लिया, बोर्ड में घूम भी लिया। थैंक यू भैया, आई लव यू। अरे लव यू टू मेरे भाई। और आप रायपुर के हैं तो प्लीज 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 जरूर आइएगा यहाँ पे। देखिए यार अपना शिवनाथ मंदिर, शिवनाथ मंदिर, हाँ शिवनाथ मंदिर जरूर है। देखिए मेरा छोटा भाई बोल रहा है तो आप लोग जरूर आइएगा। ये जस्ट चीयर्स ब्रो, चीयर्स, यस।